देखा हंटर बाबू हंटर बाबू। मुझे इनकी गोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू हंटर बाबू हंटर बाबू। करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी, जय जवान की जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू हंटर बाबू। तो तुम यहाँ मुंह के बल तक चल के आयो, इसमें तुम्हारा मुंह थक गया है? जी हम उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, ऐसा ना हो अंकल निकल जाएं, हम तैयार हो जाते हैं पहले। अभी आप जाइएगा नहीं? क्या मतलब अभी नहीं जाइएगा? नेहा को भी आपके साथ जाना है। अरे वो कहाँ जा रही है? नेहा को मार्केट जाना है। पर मैं तो मार्केट नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं रास्ते में तो मार्केट है, उसे आप अपने साथ लेते जाइए, उसे मार्केट में उतार के आप तहसील चले जाइएगा। अच्छा आप जा कैसे नहीं बताइए? मैं कार से जा रहा हूँ और मैंने ड्राइवर को बुलाया है। ये लो आ गया। अरे कुश हाजी, राम राम। राम राम बेटा। खुश रहो। कुछ एक काम कर, तू गाड़ी की साफ सफाई कर, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है। ले लिए हैं साथ में। अंकल, हाँ जी। हम भी आपके साथ चल रहे हैं। अरे मैं तो तहसील जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो जाएंगे तब हम मार्केट चले जाएंगे। और वैसे भी हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। हाँ। हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हम स्कूटी का पेट्रोल बचाना चाहते हैं। ठीक ही तो बोल रही है नेहा, जब एक ही रास्ते जा रहे हैं ठीक है तो दो दो गाड़ी का पेट्रोल क्यों खत्म हो, आप उसे अपने साथ ले जाइए, ठीक है ना? जो आपका आदेश मखनी जी। ठीक है जाइए, देर हो रहा है। देखिए कितने दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ इनको। हाँ, तुम जानबूझकर मेरे साथ चल रही हो ना? जब आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? शौक है मुझे पूछने का। आइए बैठिए। अवतार कहाँ गया? अवतार? हाँ गया होगा अशोक के घर, और कहाँ होगा। अच्छा तुमने और दामाद जी ने उससे बात की? कौन सी बात माँ? बेटे की शादी करने का कोई इरादा नहीं है का? अरे माँ आपको मालूम तो है कितने बार बात कर चुके हैं, वो बात को टाल जाता है ना। तो बात करनी छोड़ देंगे। अच्छा देखो तुम उसकी माँ उसके साथ इत्मीनान से बैठकर बात करो, और नहीं तो वो उसका दोस्त है ना अशोक, उससे बोलो वो उससे बात करेगा। ठीक है माँ, हम इस बार मौका देखते ही ना उससे बात करते हैं। हाँ अच्छा आप चाय पीएंगी? हाँ थोड़ी सी। ठीक है बैठिए मैं बना लाती हूँ। ठीक है।
क्या हुआ? गाड़ी बंद क्यों हो गई? गाड़ी खराब हो गई। अचानक कैसे बंद पड़ गई? देखना पड़ेगा। देखो अंकल, आप कहीं नहीं उतरेंगे, आप यहीं बैठे रहिए। एक बार मैं देखता हूँ गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। अंकल ड्राइवर कर रहा है ना, आप प्लीज गाड़ी में बैठे रहिए। तुम अंदर आके बैठ जाओ, शायद तुम्हें अकेली जानकर वो रुक गया। क्या पता आपकी गाड़ी पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ।
थके हुए बैल की तरह चल रहे हो भाई, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि अभी बीघा भर खेत जोत कर आए हो। आपको अगर उदाहरण देना है ना भैया तो ढंग कर दीजिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कार की सर्विसिंग करानी पड़ेगी। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि गाड़ी की सर्विसिंग कराओ। तुमों को समझते नहीं हो। अब सर्विसिंग यहाँ तो होगी नहीं, या तो किसी को बुलाना पड़ेगा या गाड़ी भेजनी पड़ेगी कहीं। वैसे हुआ क्या है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कुछ पता नहीं चल रहा है, कार्बोरेटर में कचरा अड़ गया है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ। देखो जल्दी करो। अरे कुछ किसी तरह से भी स्टार्ट करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे तहसील जल्दी पहुँचना है। जी बाबूजी। तहसील में मुझे छोड़कर फिर तुम गैराज में चले जाना, और आज ही किसी सूरत में इसको सर्विसिंग करानी है। जी बाबूजी। जाओ जल्दी करो। अंकल तहसील का काम भी जल्दी निपटा लीजिएगा, वहाँ से जल्दी निकलना है। अरे बेटा तुम खामखा इतनी परेशान हो रही हो। अंकल अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी ना। हो गया? बैठो। ना बैठे। बैठो। शुक्र है यार तैयार हो। अरे तुमको चलने में तकलीफ हो रही है तो फिर इंजेक्शन लगवा दें। आपको कैसे पता चला कि हमको इंजेक्शन की जरूरत है? तुम्हारी चाल को देख के। और कैसे क्या हुआ है हमारा चाल में हा? अरे थके हुए बैल की तरह चल रहे हो भाई, जैसे ऐसे लगता है जैसे कि अभी बीघा भर खेत जोत कर आए हो। आपको अगर उदाहरण देना है ना भैया तो ढंग कर दीजिए, हमको बैल बोल दिए और अपने खुश होकर चल रहे हैं। अरे बैल को हल्के में क्यों ले रहे हो, वो तो देवों के देव महादेव की सवारी है भाई। अच्छा तो आप अपने आप को महादेव जैसा समझने लगे। हर हर महादेव। अरे उदाहरण देना तो ढूंढते क्यों दे रहे हो, जो दूरबीन से भी ना दिखाई दे। दूरबीन से भी ना दिखाई दे, हम आपसे खाली पूछ रहे हैं। अच्छा छोड़ो कोई और बात करते हैं। का है कोई और बात करेंगे? आपने बैल की बात करी है ना, तो वही बताइए। देखो हमें बड़ी बात कहना तो आता नहीं है, हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि अब लोग ट्रैक्टर से खेती करने लगे हैं, लेकिन पहले तो बैल से ही लोग खेती करते थे ना, वही हमारा खेवनहार होता था, और बैल ना किसान के लिए बेटे की तरह होता था। हाँ भैया हमको भी याद आया, जब किसी मेहनती आदमी की बात होती थी ना तारीफ करने की, हाँ। तो लोग कहा करते थे कि बैल की तरह खटता है। ओके अब तुम्हारे भेजे में समझ में आया। धीरे से मारिए ना। हाँ यही तो तुम्हारी समस्या है कि तुम्हें समझ में तो आता है लेकिन बहुत देर से आता है भाई। देर से आता है भाई। चलिए चलो। चाची जी प्रणाम। प्रणाम चाची। खुश रहिए खुश रहिए। चाची जी एक बात बताइए, आप इतना खुश कैसे रहती हैं? वो चौबी जी है ना, हमने उनसे खुश रहने की पुड़िया ली थी।
चाची जी हम तो गांव में नहीं थे लेकिन एमएलए तो था, इसको कैसे भूल गई आप? क्या भूल गए हम? चाची इसे भी चौबे बाबा से वो खुशी वाली पुड़िया दिलवा दीजिए ना, हमेशा मुंह लटकाए रहता है। एक राज की बात बताएं, अरे जब तुम्हारे घर में ऐसा हसोड़ भाई है तो वहाँ तो दुख हो ही नहीं सकता ना। देखा, और ये है चाची हमेशा हमेशा परेशानी रहता है हमसे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, आप ऐसा कहाँ समझते हैं? आजा गले लग जाएंगे भाई। अरे वाह, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिलते रहना, अपने बीच में कभी कोई दरार मत आने देना। हाँ आशीर्वाद दीजिए आप। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। ओके चाची जी। अच्छा तुम ब्लॉक गए थे क्या? जी चाची, लेकिन वहाँ इसको कुछ खाद मिला नहीं। क्यों, क्या हुआ? चाची हम दो बोरा के लिए गए थे लेकिन वो एक ही खाद का बोरा दिया। एक ही बोरी दी, लेकिन अब तो भरपूर मात्रा में किसानों को खाद और बीज मिल रहे हैं। जी चाची। तो चाची इसको क्यों नहीं मिला? लगता है तुमसे कोई गलती हो गई होगी, तुमने एक ही बोरी मांगी होगी। नहीं चाची, हम दो बोरी खाद मांगे थे, वो मना कर दिया, बोला कि एक ही बोरी मिलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम कल ब्लॉक जाएंगे ना, वहाँ बड़ा बाबू से मिलके बात करेंगे, पता करेंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है चलो अब हम चलते हैं, हम बहुत जरूरी काम से निकले थे। हाँ ओके चाची, खुश रहिए खुश रहिए। हाँ चाची जी सही कह रही थी, गलती ना तुमसे हुई होगी। गलती ना हमसे हुई होगी, आप भी कल ब्लॉक चले जाइएगा, पूछ लीजिएगा। चलिए ओके चलो चलिए। अशोक भैया इस बार खरीफ की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ खेतों को देखकर तो सचमुच मन गदगद हो गया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसान को अपना अनाज बेचने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ते। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हाँ। का सोच रहे थे? नहीं कुछ भी नहीं नानी, बस ऐसे ही। या तो हाँ या तो ना, एक ही बात हो सकती है। अच्छा तुम्हारी माँ से कुछ बात हुई? किस बारे में? यही कि आखिर जीवन में तुम करना क्या चाहते हो। नानी आपको तो पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ। अरे मैं काम धंधे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं समझा नहीं। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बोल देती हूँ, सन्यासी बनने का इरादा है का? नानी आप कैसी बात कर रहे हो, सन्यासी? तो फिर शादी क्यों नहीं करते? जानती है माँ, जब गाँव की औरतें ना अपने बेटे की शादी की तैयारी करती है तो हमारे मन में इतना लालच होता है कि तुमको हम क्या बताएं। कहवा के पियारी मिट्टी, कहवा के कुदाल हो, कहवा के सात सुहागन, माटी कोरे जात हो, हरजनपुर के माटी बा। अरे मम्मी बस बस, अरे आज ही दुल्हन उतार दोगी क्या? भाई आज तो हमारा भी मटकोर गीत गाने का दिल कर रहा है। लेकिन माँ ये जो लड़का है ना,
न माँ की न नानी की, दोनों में से किसी के मन के बात समझने को तैयार नहीं होता है। बिल्कुल सही। आप दोनों ना हमारी शादी को इस घर की सबसे बड़ी समस्या बना रखे हैं। हर चीज का एक टाइम होता है मम्मी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारी शादी का टाइम नहीं हुआ? नानी बस कीजिए ना। अच्छा नानी, नानी आप ना बताइए आज रात डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे आप? वो एक्चुअली क्या है ना नानी, आज अवतार स्पेशल डिश बनेगी। देख रही हो कैसे बात को टरका के जा रहा है। नानी तो मुझे जाके तैयारी भी तो करनी पड़ेगी है ना, तो मैं जाकर तैयारी करता हूँ, टाइम भी लगता है ना। चलिए नानी। देखिए ना आप, ना ही आपके मन की बात समझता है ना हमारी, ये कितने चतुराई से बात को टाल के चला गया। माँ बहुत देर हो गया, अवतार के पापा और नेहा अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, कोई काम पड़ गया होगा, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अशोक भैया इस बार खरीफ की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ खेतों को देखकर तो सचमुच मन गदगद हो गया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसान को अपना अनाज बेचने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ते, ये सरकार सबके घर से ही फसल खरीद लेती है। ये बात भी सच है कि आज का किसान बहुत खुशहाल है। हाँ अब किसान को उसके पैदावार की अच्छी कीमत भी तो मिलने लगी। राधन अब तुम एक पक्के किसान बन गए, सारी जानकारी है तुम्हारे पास। भैया जिम्मेदारी सबको सिखा देती है। शायद तुम पहले चोबे चाचा और चाची को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। सही कहा भैया, पहले हमें लगता था ये लोग हमारे जीवन का रोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, अगर देर से भी समझ गए तो कोई बात नहीं। अब उनकी गैर हाजिरी में हमें पता लग रहा है कि वो लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे। अच्छा ये बताओ चाचा और चाची का क्या हाल है? दोनों ठीक हैं। तो क्या कह रहे हैं कब आएंगे? ये हाल फिलहाल तो उनके आने का मुश्किल ही है। लेकिन क्यों? बुआ जी के दो और ऑपरेशन होने हैं। अच्छा इसका मतलब तुम घर पे अकेले हो आजकल? नहीं तो हरदन मैं तुमसे यही कहूंगा, अगर आजकल तुम अकेले हो तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या तुम्हें खेती में किसी सलाह की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे बता देना। अब सलाह तो हम आपसे ले ही रहे हैं भैया, और मम्मी को तो आपके और हंटर चाचा के नाम सुनकर ही निश्चिंत हो गई। मैं फिर भी तुमसे कहूंगा कि कोई भी जरूरत हो तुम बेहिचक मेरे पास आ जाना। भैया आप बिना मांगे ही इतना दे रहे हैं, अब हम आपके एहसान के तले दबे जा रहे हैं। अरे किसी बात का एहसान नहीं, हम जब यहाँ नए आए थे खेती करने के लिए तो सिनूरी चाची ने हमारी मदद करी थी। चलो अच्छा भैया मैं निकलता हूँ, कोई आने वाला है। ठीक है ध्यान रखना अपना। ठीक है भैया। आप लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? लो सुन लो अपनी आंटी की बात, स्वागत करने से पहले ही शो कॉज नोटिस थमा दिया।